भगवान कहते यथा दीपो निवासस्तम, जैसे कहीं एक जगह पर दीप रखा होता है, दीपक रखा होता है और उस जगह पर नेंगते सोपम आसनम, उधर अगर हवा नहीं होती है तो वो दिए की जो जो ज्योति है वो बुझती नहीं है, अगर हवा नहीं होगी तो बुझेगी नहीं। उसी तरह से हमारा मन जो है वो एक दीपक की तरह है और इच्छाएं जो है वो हवा की तरह है। अगर हमारे मन की जो ज्योति है उस पे इच्छाओं की हवा नहीं चलेगी तो हमारा मन भगवान के अंदर ध्यान लगा सकेगा। भगवान हमें बहुत सुंदर बता रहे कि मन को आप इच्छाओं से इस तरह बचाओ जैसे दीपक को हम बुझने से बचाते। कभी कभी कैसा होता है, हवा आ रही होती है फिर हम उसको पकड़ते कि भाई उसको नहीं हवा लगे ताकि वो बुझ जाएगा। उसी तरह से मन को बचाओ इच्छाओं से, ये जितनी जितनी इच्छा करेगा उतना उतना भगवान से दूर होते जाओगे, क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो है वो कारण है भगवान से दूर करने का। इसलिए मन को आपको वश में करना,